शिक्षण एक कला है जिसे विभिन्न पद्धतियों से और विधाओं से तराशा जा सकता है। जिस प्रकार शिक्षक शिक्षण में बाल शिक्षण यानी पेडागोजी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षण यानी एंड्रोगोजी का उपयोग किया जाता है। एक शिक्षक होने के नाते हमें दोनों विषयों पर ज्ञान होना आवश्यक है। आइए इस परिचर्चा के माध्यम से हम दोनों को समझने का प्रयास करें। आज हमारे बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साथ में प्रोफेसर एसएस रावत, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन हमारे साथ में है और हम उनसे एंड्रोगोजी और पेडागोजी को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय लिया। थैंक यू। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये हर्ष की बात है कि अब स्कूल ऑफ एजुकेशन जो अपने आप में मुझे लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है और हमें अदर अप्रोचेस को भी हमें जाना होगा, तो इसमें आपने सबसे बड़ा सहयोग किया है। हमने शुरुआत आपसे ही की है, तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ हमारे कॉमन इंटरेस्ट का है जो दोनों सब्जेक्ट्स में है, आपके एडल्ट एजुकेशन में भी और हमारे डिपार्टमेंट जो टीचर ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं सर। सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पे पेडागोजी होता है और आपके यहाँ पे एंड्रोगोजी होता है, हो सकता है हमारे बहुत सारे टीचर जो ट्रेनीज हैं उनके लिए नया शब्द हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे पेडागोजी शब्द यूज होता है, आपके प्रौढ़ शिक्षण में एंड्रोगोजी यूज होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एंड्रोगोजी होता क्या है। हाँ, ये आपने एंड्रोगोजी और पेडागोजी दो शब्द प्रयोग किए हैं। एंड्रोगोजी जो है वो वास्तव में जो प्रौढ़ शिक्षण है, यानी जो वयस्क हैं, जो कभी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से जो है अपनी शिक्षा जो है वो शुरू नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, एक विशिष्ट विधा है एंड्रोगोजी यानी प्रौढ़ शिक्षण। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि एंड्रोगोजी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, एग्जैक्टली जो है, तो पेडागोजी से ये अलग है। एंड्रोगोजी जो है वो प्रौढ़ मनोविज्ञान पर आधारित है, जबकि आपकी पेडागोजी जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये विधा जो है एंड्रोगोजी, ये मैच्योर लोगों के लिए एक सेकेंड चांस है, तो निश्चित रूप से पेडागोजी से अलग है। जी सर, जी सर। सर, कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे हम शिक्षण में हम लोग केंद्रित हैं, हम सबकी अपनी अपनी पद्धति है, चाहे आप चाइल्ड की बात करें, चाहे एडल्ट की बात करें, या फिर अगर कभी भविष्य में ओल्ड एज की भी हम बात करेंगे तो शायद हो सकता है वहां पे कुछ चेंजेस हो जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारे जो गॉजीज हैं, चाहे एंड्रोगोजी पेडागोजी में, यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उन पे भी प्रकाश डालें। हाँ, ये सही आपने कहा है, एंड्रोगोजी और पेडागोजी दोनों एक दूसरे से अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एंड्रोगोजी में जो है वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, यानी जो प्रौढ़ है, जो ग्रामीण हमारे किसान है या हमारी गृहिणी है, उसके लिए कंपल्शन नहीं है। जो चाइल्ड एजुकेशन है, जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां तो पेरेंट्स उनको भेजते हैं, एडमिशन करवाते हैं, आपको फॉर्मल जो सिस्टम है वहां जो है वो पेडागोजी का एक प्रणाली है, अपनी एक प्रोसेस है। एंड्रोगोजी में वॉलंटरी है, वो वॉलंटरी आ रहे हैं। वहां जो हमारे चाइल्ड एजुकेशन में पेडागोजी है, पेडागोजी में सिमिलरिटी ज्यादा होती है, ग्रुप जो है 40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें उतनी विषमता नहीं होगी, हेट्रोजीनिटी उतनी नहीं होगी जितनी हमारी एडल्ट्स पे होगी। वो जेंडर तो अलग चीज है, जेंडर तो वहां भी चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो सकती है और बॉयज हो सकता है, यहाँ भी महिला है, लेकिन इनमें इतनी हेट्रोजीनिटी विषमता बहुत ज्यादा होती है। तो पेडागोजी एंड्रोगोजी इस दृष्टिकोण से अलग है, वॉलंटरी, और एक में है कंपल्सरी पार्टिसिपेशन, उनकी सहभागिता। दूसरा है एक फॉर्मल सिस्टम में संस्थागत स्तर पर प्रारंभ होता है वो प्रणाली जो है पेडागोजी,
और ये है नॉन फॉर्मल है, आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जी, ये गैर संस्थागत है जी। जहां एंड्रोगोजी की हम बात करते हैं वो लर्नर सेंट्रिक है, शिक्षार्थी केंद्रित जी। वो जो लर्नर है, किसान है, गृहिणी है, हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं जी। उसके सीखने के तौर तरीके देखते हैं, आज वो किस स्तर पर किस स्थिति पे है, वहां से उसको आगे लेके चलना है जी। ये है यानी प्रौढ़ मनोविज्ञान है, मैच्योर है, उसके जो अनुभव है उन अनुभवों को ही आगे नए एक्सप्लेनेशन देने हैं, नई व्याख्या देनी है जी। वो जो यहाँ पे मैं एक शब्दावली करूंगा थोड़ा सस्ती है कि हम बच्चों को तो हांक सकते हैं, एडल्ट्स को हम हांक नहीं सकते हैं, उनके बाल धूप पे सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव में सफेद हुए हैं, उन्होंने जीवन की किताब पढ़ी है जी, जी, लेकिन बच्चा जो है वो अपने जीवन के प्रारंभिक छोर पर है, जबकि एडल्ट्स बीच में आ चुका है, उसकी स्लेट में बहुत कुछ लिखा है, बच्चे की स्लेट अभी कोरी है, तो उन्हें हम जो है इस प्रकार से सिखा सकते हैं। तो ये फर्क है एंड्रोगोजी और पेडागोजी में। एंड्रोगोजी में जो एडल्ट है वो अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के आपके प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आता है, जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर है जी। तो वो अपेक्षा करता है कि मेरे अनुभव जो है उनमें ही व्यावहारिक बातें वहां पे हों, यानी एडल्ट एजुकेटर के पास एक एक बिल्कुल गठा हुआ और बिल्कुल प्रिपेयर्ड एक पैकेज होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि ये जो मेरा एक घंटे का समय है जो वो घर से किसी प्रकार से गृहिणी लेके आई है वहां उसका सदुपयोग हो, वरना वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चा तो बंधा हुआ है, उसको 45 मिनट का क्लास पढ़ना है, मैडम आएंगी अगर थोड़ी देर के लिए चली गई है, उन्होंने कहा सब मुंह पे हाथ रखिए, तो बच्चे मुंह पे हाथ रखते हैं। एडल्ट्स इस प्रकार का बिहेवियर नहीं करता है, उसपे उसका ईगो होता है, स्वाभिमान होता है, वो ये चाहता है कि मुझे इंडिविजुअली मेरे को जो है वो मेरे पे अटेंशन दिया जाए जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से सहयोग दिया जाए, है ना, पृष्ठ पोषण जिसे कहते हैं जी। वो ये चाहता है फीडबैक मुझे व्यक्तिगत रूप से दें। हम जैसे पेडागोजी में एक पूरे ग्रुप को जो है ट्रीट करते हैं और पूरे ग्रुप को एड्रेस करते हैं लेक्चर मेथड से, यहाँ नहीं, यहाँ इंडिविजुअल वो चाहता है इंडिविजुअल मुझे क्या है ध्यान दिया जाए और मेरे जो त्रुटियां हैं, मेरी जो कमियां हैं, उन्हें बहुत ही सरल रूप से पोलाइट वे में और मेरे ईगो को ध्यान रखते हुए उसको फीडबैक में। हाँ, सिमिलरिटी कुछ है, आपने अभी कहा कि सिमिलरिटी की बात है, कुछ समानता है पेडागोजी और एंड्रोगोजी में। यानी पेडागोजी में जो है भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम बच्चों को बताते हैं, पहले प्रत्यक्ष उनके सामने हम कहते हैं ये आम है, ये अमरूद है जी, है ना, और ये चिड़िया है, ये फलाना एनिमल है जी। और उसके बाद फिर हम और बात करते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है जी। यहाँ भी हम ग्राम प्रधान की लीडरशिप की बात करते हैं, फिर हम जो है अपने राज्य के मुखिया चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की बात पे करते हैं, यानी प्रत्यक्ष टू जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और जो है आपका इस पे ये होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बच्चों के लिए भी आजकल यही है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब डाइट के माध्यम से हमारे जो ये रिसोर्स सेंटर्स हैं, अब इसमें जैसे जैसे क्वालिटेटिव और क्वालिटी एजुकेशन की बात आई है, तो अब बच्चों के उसमें भी जो है वो मनोरंजन प्लेवे मेथड से जो है और उससे सिखाया जाए, तो ये कुछ एंड्रोगोजी की बातें हमारे जो है वो पेडागोजी में भी आई है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस जो है अक्षर ज्ञान के लिए इसमें फर्क है। अक्षर ज्ञान में हम उनको होल टू पार्ट जी, पूर्ण से अंश की ओर जी, ये जो है प्रौढ़ शिक्षण में है जी, यानी हम उनको सबक जी बिना मात्रा के है जी, तीन अक्षर जी, अदरक बिना मात्रा के हैं तीन, लेकिन अदरक को हर गृहिणी जानती है, हर किसान जानता है जी, ये है। तो उनके लिए इस बदरी जैसे गढ़वाल में जो है जो साक्षरता से संबंधित जो प्रवेशिका है उसमें पहला पार्ट था ज्ञान गंगा में बदरी जी, क्योंकि बद्रीनाथ है तो बद्रीनाथ पे आप चर्चा कर सकते हैं, बद्री गांव में किसी का नाम भी होता है जी, बद्री काका ने ये किया, ये है। तो आपका ऐसा शब्द होगा जिससे चर्चा होगी, चर्चा होगी तो हम उनसे क्या है भूलेंगे मिलेंगे और हमारी एकाग्र चित्तता अटेंशन स्पान जो है उसको जो है हम उसका पैनापन लाएंगे और वो आपकी ओर मुखातिब होगा जी, जी, जी।
एडल्ट्स के लिए जरूरी है जी, चाइल्ड एजुकेशन में या हमारे माध्यमिक शिक्षण में लेक्चर में थोड़े ज्यादा होता है, पूरे ग्रुप को एड्रेस करते हैं जी, तो ये थोड़ा सा फर्क है और समानता ये असमानता है इसमें जी। यहाँ पे सर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम पेडागॉजी में अक्सर जो है हम लोग जो पेडागॉजी जो हमारी तैयार हुई है वो आपके जूनियर लेवल को फोकस करते हुए और सेकेंडरी लेवल तक हम उसको बनाया गया उस शिक्षण शास्त्र को या उस शिक्षण पद्धति को, ऐसी मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि टारगेट ग्रुप क्या है सर जो हम प्रौढ़ शिक्षण का ले सकते हैं, ब्रॉडली हम कितना क्लासिफिकेशन करेंगे, कहां से कहां तक? प्रौढ़ शिक्षण में एडल्ट एजुकेशन में जो है वो जब ये 1978 में शुरू हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे, तो 15 से 35 आयु वर्ग को इस पे रखा गया था। अक्सर लोगों का ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, अक्सर लोगों में ये भ्रांति है कि एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षण का मतलब है बूढ़े लोगों को पढ़ाना जी, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वयस्क शिक्षा है, 15 से 35 आयु वर्ग है और 15 से 35 आयु वर्ग हमारा प्रोडक्टिव क्लास वर्क होता है, दिस इज अवर वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारे खेत में खलियान में हमारे घर में घर गृहस्थी में बहुत सी जगह जो है ये जो है उत्पादक वर्ग है, और अगर ये उत्पादक वर्ग जो है अक्षर ज्ञान नहीं है इसे, ये निरक्षर है, तो देश परिवार समाज और देश इनकी क्षमताओं से इनके कौशल से इनके ज्ञान से वंचित रहेगा। और जहां हम बात करते हैं हमें एक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण करना है, ज्ञानवान समाज का निर्माण करना है, जिससे कि हम इन तमाम अनप्रिविलेज्ड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इसको हम मुख्य धारा में लाएं। तो मुख्य धारा में लाने का पहला पायदान पहली सीढ़ी साक्षरता है, और वो 15 से 35 आयु वर्ग को इसीलिए फोकस किया गया है कि देश इस इनकी मतलब जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं, ये जो हमारी जनशक्ति है मैन पावर है, ये मैन पावर अगर ज्ञानवान होगी, इनका दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव होगा और इनका बिहेवियर अगर स्किलफुल होगा, मतलब ये स्किल्ड होंगे, कौशल इनकी क्षमताएं जो है व्यावसायिक कौशल इनकम जनरेटिंग से संबंधित कौशल जो है इनके अगर वो विकसित होंगे तो ये परिवार को समाज को और देश को बेहतर तरीके से जो है अपना योगदान दे सकेंगे। तो इसमें 15 से 35 आयु वर्ग है। उसके बाद 1988 में जब हमारे देश पे 5 टेक्नोलॉजी मिशन शुरू हुए थे उसमें एक लिटरेसी मिशन भी था, आपको मालूम होगा, लिटरेसी मिशन में उस समय फिर जो है नेशनल लिटरेसी मिशन शुरू हुआ और उसके तहत टोटल लिटरेसी कैंपेन संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरे देश में चलाए गए कि एक पूरे क्षेत्र को लिया जाए और उसमें टोटल लिटरेसी लाए, इरेडिकेशन ऑफ टोटल इलिटरेसी, ये वाली बात आई है। उसमें जो है 15 से 40 वर्ष की आयु कर दी गई थी कि कुछ और जो है इसमें कवरेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो उनको भी ताकि ले लिया जाए, जिससे कि 40 इयर्स के भी जो लोग हैं वो भी अपना साक्षर होने के बाद अपनी क्षमताओं का अपनी जागरूकता का अपने जो है वो कुशलता का वो जो है समाज को योगदान कर सके। सर जैसे हमारे यहाँ पे पेडागॉजी में कई बार जो है कुछ परेशानियां हम सामना करते हैं जब हम टीचर्स को जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जब उन्हें तैयार करते हैं तो हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वैसे ही आपके यहाँ पे भी निश्चित तौर पर जब आप प्रौढ़ शिक्षकों को टीच करते होंगे ट्रेन करते होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है चैलेंजेस जरूर फेस करते होंगे आप लोग, सो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं ताकि हम भी उनसे जो है कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए जैसा कि आपसे अभी चर्चा हुई ये एक विशेष विधा है एंड्रोगोजी और विशेष टारगेट ग्रुप है जी, और वो टारगेट ग्रुप मैच्योर है परिपक्व है उसके बहुत से अनुभव है उसका आत्म सम्मान है ईगो है, वो आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली है, हो सकता है ग्राम प्रधान भी या कोई, अब तो खैर ग्राम प्रधान शिक्षित चाहिए लेकिन कोई एक इंपॉर्टेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन गांव में कोई ऑर्गेनाइजेशन है कीर्तन मंडली है चलिए उसकी हेड है कोई महिला ये है, तो वहां वो उसको लीड करती है शक करती है तो उसका ईगो है जी, उसका वहां सम्मान है ये है। और यहाँ क्लासरूम में जब वो आती है
एडल्ट एजुकेशन सेंटर में जो हमारा शिक्षार्थी आता है लर्नर, वो लर्नर जो है यहाँ पे आपका सबोर्डिनेट हो जाता है। तो आप देखिए मैच्योर ग्रुप को हमने मार्गदर्शन देना है तो हम उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, सबसे पहले तो ये है। यानी इसलिए चुनौती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के, हमारे कॉलेजेस के, इंटर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो अपने को थोड़ा सा लाचार सा महसूस करते हैं अगर वो स्पेशली प्रिपेयर नहीं है जी। तो सबसे पहले तो ये है कि एंड्रागोजी यानी प्रौढ़ शिक्षण में हमारा जो स्टूडेंट या एडल्ट एजुकेटर है वो स्वयं भी जो है कम्युनिटी वर्क में जो है उसकी उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए जी। उसकी अभिवृत्ति अगर अभिरुचि उसमें नहीं है जी तो वो इसके लिए फिट नहीं है जी। एग्जैक्टली सर, मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हमारे पेडागोजी में भी मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है, चाहे आप पेडागोजी में हो चाहे आप एंड्रोगोजी की बात करें, ये बहुत एक मिसिंग पार्ट है सर। बिल्कुल, मैं तो मैं पेडागोजी की भी बात करूंगा, हम लोग कई सेमिनार्स अटेंड करते हैं जब टीचर एजुकेटर्स हमारे आते हैं तो उसमें जब एड्रेस होता है तो यही बात होती है कि ये ना सोचे कि जब कहीं जॉब नहीं है तो फिर उसके बाद हम बीएड करने के बाद जो टीचर बन जाए, ये वाला यानी एप्टीट्यूड नहीं है, केवल आप आजीविका के लिए जी एक जॉब को, जो कि एक शिक्षक का जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में जी, जी, जी। उसमें ऐसा तिलिस्म होना चाहिए, ऐसा बहुआयामी बहुमुखी, मतलब वो शिक्षक हो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो, उसमें अपने उस विषय को समझने में और उसको हस्तांतरित करने में उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो यहाँ वहां जहाँ बाल शिक्षण के लिए ये जरूरी है इसलिए उसके लिए प्रशिक्षण रखा है और अब 2 साल का हमारा ये हो गया, इंटीग्रेटेड होने जा रहा है। उसी प्रकार से एडल्ट एजुकेशन में और जो है अधिक चुनौतियां हैं। यहाँ अगर हमारा स्टूडेंट जो है वो अगर उस समाज से घनिष्ठता उसको रखनी है और वो घनिष्ठता अगर सस्टेन रखनी है, अगर उच्च शिक्षा और समाज के बीच में हमने घनिष्ठ और सस्टेनेबल जो है रिलेशंस कायम करने हैं, घनिष्ठ संबंध कायम करने हैं, तो उसके लिए उसको जो है विकेंद्रित जो है वो अपना एटीट्यूड विकेंद्रित उसको अपनी जो है प्रणाली जो है अपनानी होगी। यानी उनसे पूछकर, उनकी बात सुनकर, ये कहा जाता है एडल्ट एजुकेशन में एंड्रागोजी में कि बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। वो जो स्लम ड्वेलर्स हैं, वो जो विलेजर्स हैं, वो जो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शन है, उनकी बहुत कम लोग सुनते हैं, वो बहुत बोलना चाहते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनकी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके परिवार में हो सकता है बहुत से डिसीजन मेकिंग की समस्याएं हैं। अगर वो आपके उस केंद्र में आया है, उस प्लेटफॉर्म में आया है, उस मंच में आया है, तो वो इस चाहता है कि जो एडल्ट एजुकेटर है ये कुछ हमसे बेहतर है, क्योंकि ये इससे तभी हम ग्रहण करेंगे, वरना इतना मैच्योर आदमी किससे ग्रहण करेगा जो उससे बेटर होगा, जो उनके इन एक्सपीरियंसेस को आज जो उसकी स्थिति है इसको बेहतर करने के लिए उसका मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले जो एडल्ट एजुकेटर है उसको एक टीचर नहीं होना है, उसको एक मास्टर नहीं होना है, उसको एक सलाहकार होना है, काउंसलर, उसको एक साथी होना है, उसको एक फैसिलिटेटर होना है। केवल वो तो एक तो माध्यम है, केवल जो पैकेज उसको दिया गया उसका माध्यम है। तो वेल ट्रेन्ड बहुत जरूरी है, सामाजिक कार्यों में, समाज सेवा में उसकी अभिवृत्ति हो, अभिरुचि हो, डिसिप्लिन्ड हो, जो भी उसका मतलब विषय है, वो पैकेज है, वो पैकेज तैयार करके नहीं लाएगा तो वो जो ग्रुप मैच्योर ग्रुप है हमारा एडल्ट एजुकेशन में वो उसके सामने फ्लॉप हो जाएगा और वो या तो ड्रॉप कर जाएंगे या वो फिर पैसिव लिसनर की तरह केवल उसमें एहसान करने के लिए, क्योंकि ग्राम प्रधान ने कहा है, किसी और ने कहा कि भैया केंद्रों में आओ, अपने भले के लिए आओ, गांव को आगे बढ़ाने के लिए आओ, तो वो केवल आप में एहसान करने के लिए वहां पे बैठे होंगे और जो एक अवधि होगी उस केंद्र की 3 महीने या 6 महीने उसमें उनकी उपलब्धियां जो है वो उस स्तर पे नहीं आएंगी जितना हमारा टारगेट है जो हमने अपना उद्देश्य फिक्स किया है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को विशेष रूप से इसमें, इसीलिए हमारे एनएसएस जो है कार्यक्रम को रखा गया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में बच्चे ये जाने कि शिक्षा के साथ साथ वे समाज सेवा
और समाज के विकास पे कितना योगदान दे सकते हैं, ताकि थोड़ी सी अभिरुचि और अभिवृत्ति उनमें उत्पन्न हो। ये तो ये जो प्रसार कार्यक्रम है हायर एजुकेशन में, ये उसी का एक पार्ट है। यहाँ पे सर मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूँ कि जो एंड्रोगोजी है उसको आपके जो प्रौढ़ शिक्षक होते हैं किस प्रकार से लेते हैं, क्या उससे उनकी सीमाओं का विस्तार होता है, उन्हें कुछ नए अवसर मिलते हैं, या किस हिसाब से, या वो अपने आप को लिमिटेड फील करते हैं किस, या अपने आप को बंद महसूस करते हैं एक एक पैकेज के अनुसार या एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को बंद महसूस करते हैं, आप किस हिसाब से आपके जो प्रौढ़ शिक्षक है वो इस प्रोग्राम को देखते हैं? हाँ, हमारे जो एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज हैं इसके तहत जो बच्चे विश्वविद्यालय के डिफरेंट कैंपस के माध्यम से या फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में या आपके स्लम एरियाज में मलिन बस्तियों में जो इस प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाते हैं या साक्षरता अभियान में शामिल होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक पक्ष इसका यह है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका इस प्रकार का एप्टीट्यूड है, और हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, अभी पिछला आपको मालूम होगा कि इसी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उन्नत भारत अभियान में कि आप अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण के या परिसर के आसपास या महाविद्यालय कॉलेजेस के परिसर के आसपास जो है 4 या 5 विलेजेस जो है ये एक रूरल एरिया को एडॉप्ट करें और वहां विकास संबंधी योजनाएं उन लोगों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित या जो संक्रामक रोग है उनसे संबंधित, महिला सबलीकरण, महिला के एम्पावरमेंट के लिए विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, ये तमाम चीजों का एक पैकेज जो है वो विश्वविद्यालय जो है गांव में लाए, मतलब एक लैब टू लैंड की एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा उन्नत भारत अभियान में है और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये रखा है। तो मेरा ये कहने का है कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न ये किया है कि बच्चे जो हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो शामिल होते हैं, सहभागिता करते हैं, उन्हें वो इसको कैसे लेते हैं और उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार का प्रभाव इसका पड़ता है। तो ये कल्याणकारी जो योजनाएं हैं या कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, हमारे यहाँ पहले से ही पाठ्येतर गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के जो परंपरागत 2 कार्य हैं, शिक्षण और शोध, वो अपने आप पे बेकार हैं और वो बिल्कुल जो है निष्प्रभावी हो जाएंगे अगर एक्सटेंशन जो तीसरा वो कंपोनेंट है, तीसरा आयाम है, उसके माध्यम से समाज के बीच में अगर वो ज्ञान और वो शोध के परिणाम नहीं जाएंगे, अदरवाइज हमारा ये ज्ञान जो है ये हमारे लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में दम तोड़ देगा। तो अपने बड़े बड़े एकांत किले हैं जो है हायर एजुकेशन के, जो ये बहुत बड़े बड़े वो है, ये सफेद हाथी साबित होंगे समाज के लिए अगर इनके इनका ज्ञान इनका शोध अगर समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो वो समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं लिटरेसी की या अन्य हमारे स्वच्छ भारत की या हमारे आत्मनिर्भर भारत की या स्पर्श गंगा है, गंगा को स्वच्छ करने वाली, ये तमाम जो हायर एजुकेशन या महाविद्यालयों को जो कार्य दिया गया है ये वही परीक्षण है कि हमारे जो छात्र छात्राएं जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो कक्षाओं के अंदर हैं, जो औपचारिक संस्थाओं में कैद हैं, उस ज्ञान को वहां से बाहर निकालकर उसको समाजोपयोगी बनाए। ये है तो इससे क्या होता है, बच्चे जब हमारे समाज के बीच में जाते हैं तो उनको सोशियो इकोनॉमिक जो रियलिटीज हैं ग्राउंड की, ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनसे उनका साक्षात्कार होता है और वहां से वो फीडबैक लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, अगर समाज में पिछले 10 वर्षों से अगर नहीं जाएंगे वो स्टूडेंट्स हमारे शोधार्थी नहीं जाएंगे, फंडामेंटल रिसर्चेस अगर केवल जो है अपने क्लासरूम में करेंगे या अपने रिसर्च जो है लेबोरेटरी में करेंगे, तो उनको समाज में जो बदलता हुआ परिवेश है, जो नवाचार है, इनोवेशन है, जो वहां परिवर्तन हो रहा है,
उसके बारे में कहां से ज्ञान प्राप्त होगा। आज छोटे छोटे बच्चे जो है डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो प्रवेश करने लगे हैं, 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब हमारे गांव में देखो घसियारी पेड़ पे चढ़ी हुई है लेकिन मोबाइल से बात करती है, इंस्ट्रक्शन दे देती है घर के लिए या और कहीं के लिए। तो मेरा ये मतलब कहने का है समाज में आने वाले जो परिवर्तन है जो 5 से 7 साल बाद आते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स अगर हमारे उस हायर एजुकेशन के किलों के दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे समाज में, तो ये समाज से नया ज्ञान नहीं लाएंगे, नया ज्ञान नहीं लाएगा तो हमारा जो करिकुलम है पाठ्यक्रम है उसमें नए कंटेंट्स नहीं मिलेंगे। अंतर्वस्तु जिसे हम कहते हैं, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में नवीनता नहीं आएगी, नवाचार नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे जो शोध के रिजल्ट्स हैं वो हमारे ये बच्चे जो है जब एडल्ट एजुकेशन के माध्यम से केवल वहां लिटरेसी क्लासेस नहीं चलती हैं, उसके साथ साथ अवेयरनेस की बातें भी होती हैं, सामाजिक जागरूकता की, के सोशल वैल्यूज क्या कैसे बदल रही हैं, रहन सहन कैसे बने, जीवन में गुणवत्ता का विकास कैसे हो, हम अपनी आजीविका कैसे बढ़ाएं, गृहणियां किस प्रकार से घर में बचत करें, अगर इनकम नहीं बढ़ा सकती है तो बचत से भी हम क्या है पैसा बचा वो कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो हैं, ये जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, समाज में जब दुखियारे को जिसपे समस्याग्रस्त गृहिणी को जब उसकी बातें सुनते हैं उनको मोटिवेट करते हैं उनको अभिप्रेरित करते हैं तो उनमें एक एक जो है समाज सेवा का या कल्याण का मंगल का कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो भाव है वो स्किल उस पे डेवलप होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि कोई एक IAS ऑफिसर बनता है एक डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर केवल अगर MBBS करने के बाद उसमें अगर मानवीय पक्ष नहीं है जो इस प्रकार के प्रसार कार्यक्रमों से आता है जो लिटरेसी प्रोग्राम से आता है अगर ये नहीं है तो फिर वो एक अधूरा एडमिनिस्ट्रेटर है, अधूरा एक स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ है। तो इस प्रकार के समाज सेवा के सामाजिक कार्य के जो है उसको बड़ा एक्सपोजर मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को जो एडल्ट एजुकेटर के रूप में जो है वो समाज के बीच में जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को ये मतलब सीमित नहीं करता है, बांधता नहीं है, बल्कि उसको एक्सपोजर देता है, उसको एक्सपोजर देता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, लीडरशिप बढ़ती है, उसको पढ़ के तैयार होकर जाना पड़ता है। और एडल्ट एजुकेशन एडल्ट एजुकेटर को 3 महीने 6 महीने एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ एक पैकेज के साथ उसको बनाए रखना और उसके जीवन में थोड़ा जो है सकारात्मक परिवर्तन लाना ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन दूसरी ओर उनकी व्यक्तित्व को ये बांध के रखता है, उनके व्यक्तित्व को ये सीमित रखता है जो छात्र हमारे पुस्तकीय ज्ञान की अभिरुचि रखते हैं, केवल किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान से ही प्रेम करते हैं और उनको ये इस प्रकार के कार्य करना पाठ्येतर गतिविधियां सामाजिक कार्य करना जो है वो उनको जो है तो उनके लिए ये श्रम साध्य भी है और उनके लिए थकाने वाली भी है और उनके व्यक्तित्व में इस पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसमें सर ऐसे बच्चे हमारे यहाँ भी होते हैं टीचर एजुकेशन बिल्कुल और आपके यहाँ भी होते होंगे, लेकिन ये एक बहुत फ्रूटफुल जो है डिस्कशन था और मैं सच में मैं तो इस डिस्कशन में खो गया था सर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन सब बातों को जो है एक सारे हमारे व्यूअर्स को पहुंचा रहा हूं जो कई बार हम इंटरडिसिप्लिनरी ना होकर जो है जो अपने में समेटे रह जाते हैं, हम बातों को हम एक्सपोज नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम थी सर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस डिस्कशन में जो बहुत बहुत धन्यवाद सहभाग किया। सो आई रियली थैंक प्रोफेसर SS राव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन एंड आई रियली regarding from my heart. Thank you so much.